नमस्कार साथियों, अब तक आपने 1 से 50 तक भूगोल व इतिहास के पेपर सॉल्यूशन देखा। अब हम शुरू करते हैं 51 नंबर से लाइब्रेरी साइंस। आपने इस प्रतियोगिता में बढ़ चढ़ कर भाग लिया, यही उत्साह जोश उमंग आप एग्जाम तक बनाए रखें। हमारी श्री समृद्धि क्लासेज की तरफ से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 51। निम्नलिखित में से वर्ष 1974 में 1974 में जुर्कोवास्की ने सबसे पहले किस पद का प्रयोग किया? ऑप्शन है हमारे सामने डिजिटल साक्षरता, मीडिया साक्षरता, सूचना साक्षरता, कंप्यूटर साक्षरता। जुर्कोवास्की ने 1974 में सूचना साक्षरता शब्द का प्रयोग किया था। ऑप्शन देखिए, सही आंसर रहेगा आपका सूचना साक्षरता। ऑप्शन नंबर एक डिजिटल साक्षरता। डिजिटल साक्षरता का भाई इसके संदर्भ में कुछ पता हो आपको? नहीं, नोट कर लीजिए। 2009 में यूएसए में अनराल्ड स्वरिज आईसीटी डिजिटल साक्षरता नामक संस्था की स्थापना कैलिफोर्निया में की थी। 2009 में यूएसए में अर्नाल्ड स्वरिज युगलर ने आईसीटी डिजिटल साक्षरता नामक संस्था की स्थापना कहाँ की थी? कैलिफोर्निया में। सूचना साक्षरता 10 जनवरी 1989 को 10 जनवरी 1989 को प्रेसिडेंशियल कमेटी ऑन इंफॉर्मेशन लिटरेसी की रिपोर्ट आई, जिसमें नोट कर लीजिए, स्पीड ज्यादा है, ठीक है, 10 जनवरी 1989 को प्रेसिडेंशियल कमेटी ऑन इंफॉर्मेशन लिटरेसी की रिपोर्ट आई, जिसमें सूचना साक्षरता मॉडल की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट के अंतर्गत पुस्तक प्राप्त करने हेतु कौन सा ग्रंथालय प्राधिकृत है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है आपका। डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट ऑप्शन ए है राष्ट्रीय विज्ञान पुस्तकालय दिल्ली, राज्य केंद्रीय पुस्तकालय मुंबई, केंद्रीय पुस्तकालय दिल्ली, संसद पुस्तकालय दिल्ली। क्या रहेगा सही आंसर? केंद्रीय पुस्तकालय दिल्ली। वेरी गुड, केंद्रीय पुस्तकालय दिल्ली किस योजना के तहत बना था बता सकते हैं? वेरी गुड, यूनेस्को की पायलट परियोजना के तहत 1951। डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट कब आया था? 1954। एक संशोधन किया था 1956 में। क्या किया गया था? पत्र पत्रिकाएं वो समाचार पत्र भी जोड़ लिए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। चार ऑप्शन दे रखे हैं आपके सामने, उनमें से देखना है कि पहले कौन सा आएगा। डिजिटल, मिलेनियम, कॉपीराइट अधिनियम। कब आया था? 1998। सूचना प्राप्ति अधिकार अधिनियम कब आया था? 2005। सूचना प्रौद्योगिकी 2000
भारतीय कॉपीराइट अधिनियम 1957। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ए 4132। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आरआरएलएफ के अधिकृत प्रकाशन को जाना जाता है। पहले ही आपको पेपर में करवा दिया था, आरआरएलएफ का अधिकृत प्रकाशन कौन सा है? ऑप्शन देखिए, एनुअल टू आरआरएलएफ, आरआरएलएफ बुलेटिन, लाइब्रेरी हेराल्ड, ग्रंथाना। कौन सा सही रहेगा? ग्रंथाना सही आंसर है आपका, ग्रंथाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के लिए राष्ट्रीय सूचना नीति के प्रारूप को संयुक्त रूप से तैयार किया गया था। भारत के लिए राष्ट्रीय सूचना नीति के प्रारूप को संयुक्त रूप से तैयार किया गया था। ऑप्शन है आईएलए व आरआरएलएफ, निशांत व एनआईसी, आरआरएलएफ व निशांत, आइजलेक व आईएलए। कौन सा सही आंसर रहेगा? आईएलए व आरआरएलएफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन एक है। ऑप्शन देखिए, स्वायत्त शासी संस्था सार्वजनिक पुस्तकालय हेतु, लाइब्रेरी एसोसिएशन, सार्वजनिक पुस्तकालय पुस्तकालयों को सपोर्ट करने के लिए ट्रस्ट, पब्लिक ट्रस्ट। क्या रहेगा सही आंसर? सभी को आता रहा है, स्वायत्त शासी संस्था सार्वजनिक पुस्तकालय हेतु, राजा राम मोहन राय फाउंडेशन एक स्वायत्त शासी सार्वजनिक संस्था है पुस्तकालय के लिए, जिसकी स्थापना कब हुई थी? वेरी गुड, 20 मई 1972, साल्ट लेक कलकत्ता में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 57। कथन दे रखा है, देखना है यह कथन किनका है। कुछ ग्रंथों का स्वाद लिया जाता है, वही कुछ को निगला जाता है, कुछ को चबाया जाता है तथा आत्मसात किया जाता है, यह कथन किनका है? फ्रांसिस बेकन, रंगनाथन, मेलविल डीवी, चेयर्स। इनमें देखिए, सब जगह पे कुछ ग्रंथों को स्वाद लिया जाता है, कुछ को निगला जाता है और कुछ को चबाया जाता है। यह कथन है आपका फ्रांसिस बेकन का। इनको याद कैसे रखेंगे आप? परिभाषा एक तो पूछे जाएगा एग्जाम में, प्रत्येक परिभाषा में कुछ न कुछ आप लॉजिक लगाओ अपने तरीके से। आप बेकरी पे जाते हो, कोई भी सामान है आप, वो हमेशा खाने के लिए ही रहेगा वहाँ बेकरी में, तो जिनका स्वाद लीजिए, चबाओ और खाओ। तो ये आपका सही आंसर इसका रहेगा, फ्रांसिस बेकन, जिनका कथन है कुछ ग्रंथों का स्वाद लिया जाता है, वही कुछ को निगला जाता है और कुछ को चबाया जाता है और आत्मसात किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ग्रंथालय विज्ञान का कौन सा सूत्र ग्रंथालय में उपलब्ध ग्रंथों को पाठकों की दृष्टि में लाए जाने का अधिकार देता है? पांचों सूत्र आपको पता होने चाहिए पूरी डेप्थ। ऑप्शन है आपके सामने, द्वितीय सूत्र, तृतीय सूत्र, चतुर्थ सूत्र और पंचम सूत्र। चार ऑप्शन दे रखे हैं आपको, आपको देखना है कि ग्रंथालय में उपलब्ध ग्रंथों को पाठकों की दृष्टि में लाए जाने का अधिकार देता है। पहला सूत्र आपका किससे संबंधित है? पुस्तकालय से। दूसरा सूत्र आपका पाठक से। तीसरा सूत्र पुस्तक से। और चौथा सूत्र समय। और पांचवा सूत्र वर्धनशील संस्था। तो हमें देखना है कि यहाँ पे किस दृष्टिकोण से देखा जाए कि किसकी भूमिका ज्यादा है। ग्रंथालय में उपलब्ध ग्रंथों को पाठकों की दृष्टि में लाए जाने का अधिकार देता है, तो सही आंसर रहेगा आपका तृतीय सूत्र। 59 क्वेश्चन है आपका, नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर
फॉर टेक्सटाइल एंड एलाइड सब्जेक्ट 1986 में कहाँ स्थापित हुआ? ऑप्शन दे रखे हैं नई दिल्ली, कलकत्ता, चेन्नई, अहमदाबाद। नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर फॉर टेक्सटाइल एंड एलाइड सब्जेक्ट 1986 कहाँ? अहमदाबाद में। सही आंसर रहेगा आपका अहमदाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथालय प्रचार सेवा नहीं है? चार ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से एक आपकी नहीं है। अंतर ग्रंथालय ऋण, ग्रंथ प्रदर्शनी, फिल्म शो, भाषण एवं वार्तालय, कौन सी नहीं है? पहले तो आपको यह पता होना चाहिए प्रचार सेवा है क्या। प्रसार सेवा पाठक को लाइब्रेरी से जोड़ने के लिए किए जाने वाले प्रयास प्रसार सेवा है, जिसमें आपका जनसंपर्क भी शामिल है। तो इसमें देखिए आपका क्या क्या आप कर सकते हैं। पहला ऑप्शन है आपका अंतर ग्रंथालय ऋण, बी आपका ग्रंथ प्रदर्शनी, फिल्म शो और भाषण एवं वार्ताएं। प्रचार सेवा में आपका अंतर ग्रंथालय ऋण शामिल नहीं है। ग्रंथ प्रदर्शनी लगाई जाती है, फिल्म शो, भाषण एवं वार्ताएं, ये आपके प्रचार सेवा का हिस्सा है। अंतर ग्रंथालय ऋण प्रचार सेवा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संप्रेक्षण मॉडल, कम्युनिकेशन मॉडल, इनमें से किसने तैयार किया? संप्रेक्षण मॉडल कब आया था और किसने किया? संप्रेक्षण मॉडल आपका हेराल्ड लासवेल्स महोदय का है, 1948 में इस मॉडल को विकसित किया गया था। इस मॉडल में था क्या, कोई बता सकता है? हेराल्ड लासवेल महोदय ने अपना एक वक्तव्य दिया था, हु सेज व्हाट इज विच, चैनल टू होम विथ व्हाट इफेक्ट, अर्थात हु कौन संप्रेक्षण, सी व्हाट क्या कहता है, इन विच चैनल किस के माध्यम से इस्तेमाल करता है, टू होम किससे कहता है, विथ व्हाट इफेक्ट और किस प्रभाव से कहता है। यह था आपकी इसमें संप्रेक्षण मॉडल, जिसमें दर्शाया गया था कि कौन है, क्या कहता है, किसके माध्यम से कहता है इत्यादि। इसमें आपका कम्युनिकेशन है उस संप्रेक्षण के मॉडल को हेराल्ड लासवेल सर ने 1940 में एक वक्तव्य दिया था। इस वक्तव्य को पूछा जाता है यह वक्तव्य किसका है, आप ध्यान रखिएगा, या फिर मॉडल दे देगा, व्यक्तित्व पूछेगा, इस मॉडल में कौन सा वक्तव्य दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 62, कोमला निम्नलिखित में से किसके लिए प्रयुक्त होता है? कोमला के आपके फुल फॉर्म है क्या होता है, कोमला, बी, सही आंसर रहेगा आपका बी, कॉमनवेल्थ लाइब्रेरी एसोसिएशन, कॉमनवेल्थ लाइब्रेरी एसोसिएशन। कोमला का उद्घाटन कहां हुआ था? कोमला का उद्घाटन नाइजीरिया के लागोस में नवंबर 1972 में हुआ था। कहां हुआ था? नाइजीरिया के लागोस में नवंबर 1972 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 63, भारतीय ग्रंथालयों में दो प्रकार की लेखा परीक्षा पद्धतियां प्रचलन में है। भारतीय ग्रंथालय में दो प्रकार की लेखा परीक्षा पद्धतियां कौन सी प्रचलन में है? ऑप्शन है आपके सामने,
रैंडम एंड स्पेसिफिक, इंटरनल एंड एक्सटर्नल, रेगुलर एंड इरेगुलर। डी ऑप्शन है आपका प्री एंड पोस्ट। कौन सी दो पद्धतियां हैं? वेरी गुड, प्री एंड पोस्ट सही आंसर रहेगा आपका, प्री एंड पोस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक ग्रंथालय में निम्नलिखित विभाग है। एक ग्रंथालय में अग्रलिखित विभाग है, पत्रिका विभाग, श्रव्य दृश्य विभाग, नेत्रहीनों का प्रभाग विभाग। यह विभागीकरण किस आधार पर किया जाता है? ऑप्शन है आपके सामने उपभोक्ता, बी ऑप्शन है उत्पाद सामग्री, सी ऑप्शन है कार्य, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। देखिए, दृश्य श्रव्य विभाग, नेत्रहीन विभाग, यहां पे दिव्यांगों का विभाग है, इनमें इनकी सामग्रियां में इनके उपकरण रखने होंगे सहायक, जैसे नेत्रहीन है उनके लिए ब्रेल लिपि साधनों की आवश्यकता होगी। तो आपका यहां सही आंसर हो जाएगा बी, उत्पाद एवं सामग्री की आवश्यकता होगी। 65 क्वेश्चन है नेक्स्ट, अंतर ग्रंथालय ऋण निम्नलिखित में से किस विभाग का कार्य है? अभी हमने ऊपर देखा था ग्रंथालय प्रचार की सेवा नहीं है, तो वहां पे अंतर ग्रंथालय ऋण। अब यहां पे पूछा है आपका, अंतर ग्रंथालय ऋण निम्नलिखित में से किस विभाग का कार्य है? ऑप्शन दे रखा है तकनीकी विभाग, ग्रंथ के आदान प्रदान विभाग, अवाप्ति विभाग, संदर्भ विभाग। तकनीकी विभाग का कार्य क्या होता है? वर्गीकरण व सूचीकरण। अंतर ग्रंथालय का आपका सही आंसर रहेगा ग्रंथ का आदान प्रदान, सी ऑप्शन देखिए अवाप्ति विभाग। अवाप्ति विभाग का क्या कार्य है, कोई बता सकता है आप में से? ग्रंथ संग्रह विकास, वेरी गुड। संदर्भ विभाग का, संदर्भ विभाग का क्या काम होता है, यह तो सभी को पता है, क्या कार्य होता है? पुस्तकालय पाठकों का अभिमुखीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, परीक्षण पत्रक निम्नलिखित में से किस पद्धति के अंतर्गत बनाया जाता है? परीक्षण पत्रक, परीक्षण पत्रक। ऑप्शन है आपका थ्री कार्ड सिस्टम, नेटवर्क सिस्टम, कार्डेक सिस्टम, ब्राउन चार्जिंग सिस्टम। क्या रहेगा सही आंसर? थ्री कार्ड सिस्टम, परीक्षण पत्रक, थ्री कार्ड सिस्टम सही आंसर रहेगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ग्रंथ संग्रह विकास निम्नलिखित में से किस विभाग का कार्य है? अभी हमने ऊपर ही देखा था अव्याप्ति विभाग, ग्रंथ संग्रह विकास का। तकनीकी विभाग का कार्य हमने देख ही लिया था, वर्गीकरण सूचीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ग्रंथालय में सेवाओं के बिना वेदान के भंडारण सत्यापन की विधि के प्रणेता कौन थे? ग्रंथालय में सेवाओं के बिना वेदान के भंडारण सत्यापन की विधि के प्रणेता, डॉक्टर एस आर रंगनाथन, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 69, विकिरणन नियम लॉ ऑफ स्कैटरिंग का निरूपण किसने किया? स्कैटरिंग होता क्या है? बिखराव का सिद्धांत, सूचना के बिखराव का सिद्धांत किसने दिया था? ब्रैडफोर्ड ने। कब दिया?
ब्रैडफोर्ड ने लॉ ऑफ स्कैटरिंग 1934। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पर्ट, PERT पद का पूरा नाम क्या है? पर्ट का पूरा नाम पूछा है, ऑप्शन है आपके सामने प्रोग्राम इवेल्युएशन एंड रिव्यू टेक्निक, प्री एजुकेशन एंड रिसर्च ट्रेनिंग, प्री एजुकेशन रिसर्च टेक्निक, प्रोग्राम इवेल्युएशन एंड रिव्यू कमेटी। क्या रहेगा ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा, प्रोग्राम इवेल्युएशन एंड रिव्यू टेक्निक। यह प्रोग्राम यूएस नेवी का था 1950 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 71। ग्रंथालय के वार्षिक प्रतिवेदन में निम्नलिखित में से कौन से दो भाग होते हैं? ऑप्शन देखिए, सामान्य विवरण एवं विशिष्ट विवरण, तकनीक सेवाएं एवं पाठ्य सेवाएं, पाठकीय सेवाएं, सामान्य गतिविधियां एवं विशिष्ट गतिविधियां, विवरणात्मक एवं सांख्यिकी। ग्रंथालय के वार्षिक प्रतिवेदन में कौन से दो भाग होते हैं? वेरी गुड, विवरणात्मक एवं सांख्यिकीय। सभी यूट्यूब के साथियों से निवेदन रहेगा, इस पेपर के सॉल्यूशन का उद्देश्य यही है कि आपका एक भी प्रश्न एग्जाम में गलत ना हो, आपको किसी भी प्रश्न में समस्या हो, विवाद हो, या आपके अनुसार कोई आंसर गलत आ रहा हो, कंफ्यूजन हो, तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, वहां पे आपको बता दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ग्रंथालय सांख्यिकी के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन से तीन क्षेत्र आते हैं? ग्रंथालय सांख्यिकी, ऑप्शन है ए संग्रह, वित्त और कर्मचारी, संग्रह वित्त और फर्नीचर, संग्रह वित्त और उपकरण, संग्रह वित्त और पाठक। ग्रंथालय सांख्यिकी के में क्या आता है? वेरी गुड, ए संग्रह वित्त और कर्मचारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73। अतिदेय शुल्क संग्रह करने वाली मंजूषा को कहते हैं अतिदेय, ऑप्शन है ओवरड्यू, चार्जिंग बॉक्स, चार्ज बॉक्स, कंसाइन बॉक्स, लेट फी बॉक्स, डिफॉल्टर बॉक्स। अतिदेय शुल्क संग्रह करने वाली मंजूषा को क्या कहते हैं? कंसाइन बॉक्स। क्या होती है अतिदेय शुल्क? पुस्तकालय से इशू की गई पुस्तक नियत तिथि तक वापस नहीं पहुंचाने पर, पुस्तकालय में वापस जमा नहीं करवाने पर जो अतिदेय शुल्क यानी कि चार्ज के रूप में फाइन लगता है, उसे आप अतिदेय शुल्क कहते हैं। वह शुल्क कंसाइन बॉक्स में जमा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 74। एक्स एवं वाई सिद्धांत की अवधारणा किसने प्रचलित की? एक्स थ्योरी एंड वाई थ्योरी, ऑप्शन है अब्राहम मैस्लो, पीटर ड्रगर, हेनरी फ्योल, डगलस मैकग्रेगर। वेरी गुड, एक्स एंड वाई सिद्धांत डगलस मैकग्रेगर। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 75। फैसेट, फोकस, आइसोलेट, बेसिक क्लास आदि की अवधारणा रंगनाथन द्वारा सर्वप्रथम किस पुस्तक में की गई?
कौन सी पुस्तक में की गई थी? वेरी गुड, लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन फंडामेंटल एंड प्रोसेड्योर, ये ऑप्शन आपका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीडीसी में वर्गांक 822.33 किसे दर्शाता है? 822.33 किसे दर्शाता है? प्रेमचंद, अंग्रेजी नाटक, अंग्रेजी कथा साहित्य, शेक्सपियर। यह क्वेश्चन नेट में भी कई बार आ चुका है। शेक्सपियर को डीडीसी में वर्गांक मिला है 822.33। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सीसी में मदर कंट्री को किस संख्या द्वारा दर्शाया जाता है? मदर कंट्री, ऑप्शन है 2, 3, 4 या कोई नहीं। मदर कंट्री के लिए 2 और वर्ल्ड के लिए 1, फेवरेट कंट्री के लिए 3। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, कॉलन एवं ड्यूई दशमलव वर्गीकरण पद्धतियों के मानव शरीर के अंगों का सिद्धांत क्रम निर्धारित किया जाता है। ऑप्शन ए परवर्ती विकास, बी ऊपर से नीचे की ओर, सी नीचे से ऊपर की ओर, डी कोई नहीं। यहां पे दिया है आपका मानव शरीर के अंगों का सिद्धांत, मानव शरीर के अंगों का सिद्धांत पिछले पेपर में हमारे सामने आया था, वनस्पति शास्त्र बॉटनी से संबंधित क्वेश्चन इसी प्रकार का था, तो इसका सही आंसर रहेगा ऊपर से नीचे की ओर। और बॉटनी का यही प्रश्न आ जाए कि बॉटनी का सिद्धांत द्वारा क्रम निर्धारित किया जाता है, वनस्पति शास्त्र नीचे से ऊपर की ओर, जड़ तना फूल पत्ती, इसी तरह मानव श्रृंखला में सिर हेड हृदय पैर अंगुलियां। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द्विबिंदु वर्गीकरण पद्धति में एशियाई को किससे दर्शाया जाता है? ऑप्शन है ए रोमन कैपिटल, भारतीय अरबी अंक, रोमन स्मॉल एवं भारतीय अरबी अंक, रोमन स्मॉल। आंसर रहेगा आपका सी रोमन स्मॉल एवं भारतीय अरेबिक अंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80, वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने कहा कि सूचना विज्ञान कई विषयों का समूचे है जिसका केंद्रीय कोर सूचना है, यह कथन किनका है? फ्रिट्ज मैचलब। सूचना विज्ञान कई विषयों का समूचे है जिसका केंद्रीय कोर सूचना है, फ्रिट्ज मैचलब। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 81, डीडीसी के 22वें संस्करण के प्रकाशन का नाम बताइए, डीडीसी के 22वें संस्करण के प्रकाशन का नाम बताइए। ए ऑप्शन है फॉरेस्ट प्रेस, बी यूनेस्को, सी इफ्ला, डी ओसीएलसी। 22वें संस्करण का प्रकाशन, 22वें और 23वें का संस्करण ओसीएलसी द्वारा, 22वां संस्करण 2003 में वेब डेवी नाम से ऑनलाइन संस्करण ओसीएलसी द्वारा प्रकाशन में आया। ओसीएलसी के मुख्य संपादक कौन है, नाम बता सकते हैं आप में से कोई? ओसीएलसी के वर्तमान मुख्य संपादक माइकल पेजर, माइकल पेजर ओसीएलसी के मुख्य संपादक है वर्तमान में। ओसीएलसी न्यासी बोर्ड के अध्यक्ष कौन है, बता सकते हैं? बोर्ड के अध्यक्ष
माइकल पेजर है आपके मुख्य संपादक ओसीएलसी के, और ओसीएलसी न्यासी बोर्ड के अध्यक्ष है आपके जॉन एफ रजाबो, जॉन एफ रजाबो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके आता है 82, लिंकर्ट का नाम किससे संबंधित है? ऑप्शन है नेतृत्व का तरीका, अभिप्रेरणा का सिद्धांत, निर्णय निर्माण सिद्धांत, संगठनात्मक संरचना विकसित करना। लिंकर्ट नेतृत्व का तरीका, सही आंसर है ये। 83, एक पत्रिका दे रखी है लीसा, पुस्तकालय और सूचना विज्ञान सार पत्रिका किसके आधार पर व्यवस्थित है? डीडीसी, यूडीसी, कॉलन क्लासिफिकेशन, एक विशिष्ट वर्गीकरण पद्धति, क्या रहेगा सही आंसर? यह एक विशिष्ट वर्गीकरण पद्धति पर आधारित है, ऑप्शन नंबर डी। 84 क्वेश्चन है आपका, एनामलस स्टेट ऑफ नॉलेज की अवधारणा किसने प्रस्तुत की? ऑप्शन है आपके सामने बल्किन, विक्री, लैनकास्टर या रंगनाथन। एनामलस स्टेट ऑफ नॉलेज, बल्किन, सही आंसर रहेगा आपका बल्किन। नेक्स्ट कथन दे रखा है आपका 85, किसने कहा था संदर्भ सेवा सही पाठक और सही पुस्तक के बीच सही व्यक्तिगत संपर्क है? ऑप्शन है आपके सामने मेलविल डीवी, सी ए कटर, सी सी जेविट, एस आर रंगनाथन। किसने कहा संदर्भ सेवा सही पाठक और सही पुस्तक के बीच सही व्यक्तिगत संपर्क है? सी सी जेविट ने, सही आंसर रहेगा सी। 86 क्वेश्चन है आपका, एसडीआई सेवा के घटकों की पहचान करें। एसडीआई सेवा में पाठक की प्रोफाइल बनती है, उसके अकॉर्डिंग आंसर अपना सही रहेगा ए, प्रलेख डेटाबेस फाइल, उपयोगकर्ता प्रोफाइल, मिलान, अधिसूचना, प्रतिक्रिया और संशोधन। 87 क्वेश्चन है आपका, विनिसिस में ग्लोबल एड कहाँ उपलब्ध होता है? विनिसिस में ग्लोबल एड, ऑप्शन है एडिट मेन्यू, यूटिलिटी मेन्यू, कॉन्फिगर मेन्यू, हेल्प मेन्यू। कंप्यूटर में कहाँ पे आपका ग्लोबल एड विकल्प उपलब्ध होता है? यूटिलिटी मेन्यू में, सही आंसर रहेगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, करंट कंटेंट्स क्या है? 88, करंट कंटेंट्स क्या है? ए सार सेवा, अनुक्रमण सेवा, अनुवाद सेवा या रेफरल सेवा, क्या रहेगा सही आंसर? वेरी गुड, अनुक्रमण सेवा। करंट कंटेंट्स क्या है? एक तरह की अनुक्रमण सेवा है। अनुवाद सेवा क्या होती है? ट्रांसलेट। और रेफरल सेवा, एक पाठक द्वारा दूसरे पाठक को दिए गए सुझाव, रेफरल सेवा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 89, मार्क मानक के अनुसार टैग 852 के लिए उपयोग किया जाता है। ऑप्शन देखिए, इलेक्ट्रॉनिक, लोकेशन एंड एक्सेस, लैंग्वेज नोट, होल्डिंग इंस्टीट्यूशन, होल्डिंग इंफॉर्मेशन। 852 किसके लिए? होल्डिंग इंफॉर्मेशन के लिए, सही आंसर रहेगा आपका डी, होल्डिंग इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है? ऑप्शन देखिए, अपाचे, सफारी, फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर। सही आंसर रहेगा आपका अपाचे, अपाचे वेब ब्राउजर नहीं है। सफारी, फायरफॉक्स और इंटरनेट एक्सप्लोरर आपके वेब ब्राउजर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलिबर के वार्षिक व्यावसायिक कार्यक्रम का आयोजन किसके द्वारा किया जाता है? कैलिबर का वार्षिक व्यावसायिक
कार्यक्रम इन्फ्लिपनेट द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? इन्फ्लिपनेट। सही आंसर रहेगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ड कैट। पिछले टेस्ट सीरीज में भी हम कर चुके हैं। वर्ड कैट निम्न में से किसका उत्पाद है? ओसीएलसी का। सही आंसर आपका बी, ओसीएलसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिजिटल मीडिया प्रोफाइल की श्रृंखला, चाहे ऑडियो या वीडियो हो, जो धारावाहिक क्रम में प्रचारित होते हो, उन्हें वेब सिंडिकेशन के माध्यम से डाउनलोड किया जाता है, क्या कहलाता है? ब्रॉडकास्टिंग। सही आंसर रहेगा आपका ब्रॉडकास्टिंग। बी ऑप्शन है टैगिंग। टैगिंग क्या किस किसे कहेंगे? एक दूसरे को जोड़ना। ब्लॉगिंग, सी ऑप्शन आपका ब्लॉगिंग दे रखा है। ब्लॉगिंग है आपका इंटरनेट पर व्यक्तिगत वेबसाइट बनाकर विचारों की अभिव्यक्ति करना, ब्लॉगिंग कहलाता है, ब्लॉग लिखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 94। भावी पीढ़ियों के लाभ के लिए देश के सर्वोच्च संपूर्ण पुस्तक उत्पादन के संग्रह और संरक्षण का दायित्व किस पुस्तकालय का है? भावी पीढ़ी के लिए लाभ के लिए देश के संपूर्ण पुस्तक उत्पादन के संग्रह और संरक्षण का दायित्व किस पुस्तकालय का है? विशिष्ट पुस्तकालय का, सार्वजनिक पुस्तकालय का, अकादमिक पुस्तकालय का या राष्ट्रीय पुस्तकालय का? राष्ट्रीय पुस्तकालय का। आंसर अपना डी सही रहेगा, राष्ट्रीय पुस्तकालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 95। एचपी लुहान कंप्यूटराइज एसडीआई सेवा के नवीकरण के लिए उत्तरदायी है, उन्हें इस ऑटोमेटेड इंडेक्सिंग सिस्टम के विकास के लिए भी जाना जाता है। ऑप्शन है कीवर्ड इंडेक्सिंग, बी ऑप्शन है क्विक, सी ऑप्शन यूनिटम इंडेक्सिंग, डी ऑप्शन प्रेसिस। एचपी लुहान सर, एसडीआई का सही आंसर आपका रहेगा क्विक, KWIC। ऑप्शन सी है यूनिटम इंडेक्सिंग। कब आई थी? 1953 मार्टिमर ट्यूब द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 96। निम्नलिखित में से कौन सा ओपन एक्सेस इनिशिएटिव से संबंधित है? चार ऑप्शन दे रखे हैं, क्रिएटिव कॉमन्स, DOAJ, FOSS, GNU। ओपन एक्सेस इनिशिएटिव, क्रिएटिव कॉमन्स और DOAJ, ये दो आपके ओपन एक्सेस इनिशिएटिव है। ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा, एक और दो। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूचना के प्राथमिक स्रोत में सम्मिलित है, चार विकल्प दे रखे हैं, इनमें से कौन से प्राथमिक स्रोत है? प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, तीन स्रोत है, तीन में से आपको प्राथमिक स्रोत कौन सा है? शोध ग्रंथ, डायरी नोट, संगोष्ठी प्रपत्र, पुस्तक। प्राथमिक स्रोत आपके हैं शोध ग्रंथ, डायरी नोट और संगोष्ठी प्रपत्र। ऑप्शन नंबर बी, एक, दो और तीन सही है। पुस्तक कौन सा स्रोत है? पुस्तक प्राथमिक स्रोत, द्वितीयक स्रोत या तृतीयक स्रोत? वेरी गुड, द्वितीयक स्रोत है। ये तीनों प्राथमिक स्रोत है आपके, शोध ग्रंथ, डायरी नोट, संगोष्ठी प्रपत्र, और पुस्तक है आपका द्वितीयक स्रोत। 98 क्वेश्चन है आपका, नेशनल बुक ट्रस्ट NBT एक स्वायत्त संस्था है जो अब किसके अंतर्गत कार्य करती है? मानव संसाधन विकास मंत्रालय का अधीन। ऑप्शन नंबर डी आपका सही रहेगा। 99 क्वेश्चन नंबर है आपका,
नेशनल नॉलेज रिसोर्स संघ एनकेआरसी कब स्थापित किया गया? ऑप्शन नंबर ए 2009, 2001, 2005, 1990। यहां पूछा है एनकेआरसी, एनकेसी याद मत रख लेना, ध्यान से पढ़ना, एनकेआरसी पूछा है। अच्छा आप कराए 2005, वेरी गुड, सही आंसर रहेगा आपका एनकेआरसी 2009, नेशनल नॉलेज रिसर्च संघ। एनकेसी है आपका नेशनल नॉलेज कमीशन, जो आपका 13 जून 2005 को प्रारंभ हुआ था और जुलाई 2014 में आपका विघटित हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अंतर्वस्तु सार और फोटोकॉपी सेवा एक अभिनव व्यक्तिक सूचना सेवा है, यह किसके द्वारा प्रदान की जाती है? अंतर्वस्तु सार और फोटोकॉपी सेवा निस्केयर के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा आपका निस्केयर। 101 पे आते हैं, निकनेट एक उदाहरण है, निकनेट क्या है? मैन, लैन, वैन या सुपर लैन? सही आंसर रहेगा वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। निकनेट कंप्यूटर संचार नेटवर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 102, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? सूचना एवं डाटा समानार्थी शब्द है, सूचना निर्णय लेने में सहायक होती है, सूचना ज्ञान की ओर ले जाती है, सूचना एक संगठित डाटा है। सूचना क्वेश्चन पूछा है आपका कौन सा सत्य नहीं है, क्या सूचना और डाटा दोनों एक चीज है, समान शब्द है? नहीं, यह कथन गलत है आपका, डाटा का ही व्यवस्थित समूह ही आपका सूचना है, तो दोनों ही अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 103, amazon.com क्या है? वर्चुअल बुक स्टोर, वर्चुअल लाइब्रेरी, ई बुक प्रोजेक्ट या कंसोर्सियम? क्या है amazon.com? वर्चुअल बुक स्टोर, आंसर ए। क्वेश्चन है आपका 104, मेटा डाटा, मेटा डाटा किसके लिए उपयोगी नहीं है? ऑप्शन है ए डॉक्यूमेंट फॉर्मेट के विवरण के लिए, डॉक्यूमेंट के विवरण के लिए, डॉक्यूमेंट के पुनर्प्राप्ति के लिए, और डी ऑप्शन है आपका डॉक्यूमेंट के मूल्यांकन के लिए। मेटा डाटा डॉक्यूमेंट मूल्यांकन के लिए नहीं है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है, डॉक्यूमेंट के मूल्यांकन के लिए। मेटा डेटा शब्द का प्रयोग किसने किया, बता सकते हैं आप में से कोई? मेटा डेटा, मेटा डेटा शब्द 1960 में फिलिप बागले द्वारा प्रतिपादित किया गया, नोट कर लीजिए 1960 में फिलिप बागले द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 105, शोध गंगा निम्नलिखित में से किसकी रिपोजिटरी है? ई जर्नल, ई थीसिस, ई रिसोर्सिंग, ई बुक्स? शोध गंगा आपकी ई थीसिस है, ई थीसिस की रिपोजिटरी है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 106। निम्नलिखित में से कौन से पुस्तकालय नेटवर्क है? चार दे रखे हैं आपको, चारों में से देखना है कि पुस्तकालय नेटवर्क कौन से हैं। इंटरनेट, डेलनेट, निकनेट, ओसीएलसी। देखिए इंटरनेट आपका पुस्तकालय नेटवर्क नहीं है, डेलनेट पुस्तकालय नेटवर्क है, निकनेट हमने देखा था यह एक कंप्यूटर संचार नेटवर्क है तो पुस्तकालय नेटवर्क नहीं है, और ओसीएलसी पुस्तकालय नेटवर्क है। सही आंसर रहेगा बी, दो और चार सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 107। पुस्तकालयों के बीच रिसोर्स शेयरिंग प्रभावित होती है? पुस्तकालयों के बीच रिसोर्स शेयरिंग प्रभावित होती है निम्न कारक के द्वारा। किसके द्वारा रिसोर्स शेयरिंग प्रभावित होती है? ए ऑप्शन है आपका चेंजिंग इंफॉर्मेशन नीड्स फॉर यूजर्स, इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स, इंफॉर्मेशन एक्सप्लोजन। बी ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज। रिसोर्स शेयरिंग इन सभी से प्रभावित होती है। क्वेश्चन नंबर डी आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारत में ओपन जर्नल एक्सेस सिस्टम, ओपन जर्नल एक्सेस सिस्टम मुख्यतः किसके द्वारा प्रतिबंधित किया जाता है? निकनेट के द्वारा। निकनेट के द्वारा ओपन जर्नल एक्सेस सिस्टम को प्रतिबंधित किया जाता है। 109 नंबर क्वेश्चन है आपका LIS गेटवे का कौन रखरखाव करता है? LIS गेटवे का कौन रखरखाव करता है? ऑप्शन ए ILA, बी ऑप्शन ISLIC, सी ऑप्शन SIS, डी ऑप्शन ATLAS। कौन करता है? ILA। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 110। मेटा डेटा शब्द 1968 किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? हमने अभी देखा था मेटा डेटा, फिलिप बागले द्वारा। एक सौ ग्यारह है आपका याहू है, याहू वेब ब्राउजर, ऑनलाइन होस्ट, सॉफ्टवेयर पैकेज एंड इंटरनेट सर्च टूल। याहू एन इंटरनेट सर्च टूल है आपका, ऑप्शन नंबर डी रहेगा, इंटरनेट सर्च टूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 112। एमएस डोज, यूनिक्स, विंडोज ये सभी विभिन्न प्रकार के हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम, डेटा कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या कोई नहीं, क्या है आपके? एमएस डोज, यूनिक्स, विंडोज, ऑपरेटिंग सिस्टम। सही आंसर रहेगा ये, ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 113। IBM के द्वारा तैयार किया जाता है, IBM कंपनी द्वारा तैयार किया जाता है ओसिस, ISIS, माइक्रोलेक्स, चेयर्स। ऑप्शन नंबर सी रहेगा आपका, माइक्रो लिनक्स। IBM द्वारा माइक्रो लिनक्स तैयार किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 114। हमें कंप्यूटर से कम्युनिकेशन करने के लिए आउटपुट डिवाइस एक साधन है। हमें कंप्यूटर से कम्युनिकेशन करने के लिए आउटपुट डिवाइस एक साधन है। ऑप्शन है यूजर टू कंप्यूटर, कंप्यूटर टू यूजर, उपयुक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। क्या रहेगा आपका सही आंसर? कंप्यूटर से कम्युनिकेशन के लिए